असलम डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टड आवर डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट एंड टिल दिस पॉइंट वी हैव डिसकस्ड द फर्स्ट सिक्स रूल्स और हमने कहा था कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी वर्क आता है हम उसको हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं तो अगर सेंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सेंगुलर नाउन और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल नाउन रूल नंबर सिक्स में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि जब भी हमारे पास आदर और नाइदर नॉर only ओनली बट आल्सो और नॉर हमारे पास जब ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो सेकेंड नाउन के मुताबिक आएगा तो अगर हमारे पास सेकेंड नाउन सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और अगर हमारे पास सेकेंड नाउन प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे लेकिन ये जो लिस्ट मैंने लिखा है नंबर सेवन में एज वेल एज along with, with डेंस विद डिसाइड्स आफ्टर लाइक अनलाइक रादर देन नो लेस देन देन यूअर वर्क एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और नॉर्मली आप लोग के एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स इसका आंसर अक्सर औौकात गरत देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि द कोच वेल एज

देट एज द प्लेयर्स अब द कोच हमारे पास सेंगुलर है और द प्लेयर्स हमारे पास लूरल है रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास एज वेल एज आएगा तो इससे पहले हमारे पास जो नाउन आया है हमारा जो वर्ब होगा वो उस नाउन के मुताबिक आएगा तो यहाँ पर द कोच हमारे पास सेंगुलर है इस वजह से हम कहते हैं कि एज द कोच एज वेल एज द्लेयर्स इज सेलिब्रेटिंग द विक्री फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि

जो कि हमारे पास प्लूरल है और इसके बाद हमारे पास जो नाउन आया है दैट इज़ द टीचर जो कि हमारे पास सेमुलर है लेकिन जब भी हमारे पास वर्ड टुगेदर विद आएगा तो हम हमारा जो वर्ब आएगा वो पहले नाउन के मुताबिक आएगा यहाँ पर द स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट नाउन है और ये हमारे पास प्लूरल है इस वजह से हम कहेंगे आर द स्टूडेंट्स टुगेदर विद द टीचर आर वेटिंग आउटसाइड फिर नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वर्ड को हम देखते हैं दैट इज अलोंग विद फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जाहिद अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डेश द पार्टी और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाए वाज और दूसरा हमारे पास आ जाए वर तो यहाँ पर हमारे पास आया है अलोंग विद अलोंग विद हमारे पास जब भी आएगा तो हमने फर्स्ट नाउन को देखना है फर्स्ट नाउन यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से हम यहाँ पर लगा लेंगे वाज जाहिद अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज इन्जॉइंग द पार्टी फिर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि द सब्जेक्ट्स द टॉपिक्स डेश इंटरेस्टिंग अब हमारे पास यहाँ पर बेसाइड्स आया है तो बेसाइट से पहले हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड आया है देट इज़ द सब्जेक्ट्स जो कि हमारे पास प्लूरल हैं तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा आर इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट्स बिसाइड द टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग मैं इस तरह कहता हूं कि ही इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स डैश वर्किंग हार्ड अब हमारे पास इन अकॉर्डेंस विद आया है इससे पहले हमारे पास ही आया है ही हमारे पास सिंगुलर है इस वजह से हम यहां पर लगा लेंगे इज वर्किंग हार्ड ही इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इज वर्किंग हार्ड सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूं कि द मिनिस्टर्स लाइक द लीडर डैश हम कह सकते कि ऑनेस्ट द मिनिस्टर्स लाइक द लीडर डैश ऑनेस्ट यहां पर हमारे पास वर्ड लाइक आया है लाइक से पहले हमारे पास मिनिस्टर्स आया है मैनेस हमारे पास प्लूरल है तो यहां पर हम लगा लेंगे और ऑनेस्ट इसी तरह अगर मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल इसी रूल के मुताबिक आपको दूं तो हमारे पास आ जाएगा कि द चिल्ड्रन अनलाइक देयर पेरेंट्स नान सीरियस द चिल्ड्रन अनलाइ दियर पेरेंट्स देश नान सीरियस चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है इस वजह से यहाँ पर हम लगा लेंगे आर तो होपफुली अब रूल नंबर सेवन में आप लोग के लिए किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए रूल नंबर सिक्स में जब आपके पास जो कंजंक्शन आए हैं वहाँ पर आप अपना नाउन से अपना वर्ब सेकेंड नाउन के मुताबिक लगाएँगे जबकि ऐसे सिचुएशन में आपका जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा तो अगर फर्स्ट नाउन आपके पास सेंगुलर है तो यहां पर आप सेंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे और अगर आपके पास फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो आप इसके साथ प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेंगे फिर रूल नंबर एट हमारे पास है इनडिफरेंट प्रोनाउंस टेक सेंगुलर वर्ब इन प्रोनाउंस हमारे पास है समवन वन समथिंग anybody sorry anyone anybody anything everyone everybody everything no one nobody नथिंग यहाँ पर एक और डिफरेंट प्रोनाउन है वो भी लिख देते हैं वन वैसे हमारे पास और भी इन डिफिनेट प्रोनाउन्स हैं लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन ही पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि इसके बाद आपके पास सेंगुलर फॉर्म ऑफ वर् पाएगा इन डिफरेंट प्रोनाउन्स पर हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हमारे पास है सम वन सम बॉडी सम थिंग एनी वन एनी बॉडी एनी थिंग एवरी वन एवरी बॉडी एवरी थिंग नो वन नो बॉडी नथिंग एंड वन तो ये आपके पास इन डिफरेंट प्रोनाउन्स हैं और डिफरनेट प्रोनाउंस जब भी आपके पास आएंगे आप हमेशा इसके बाद सेंगुलर फॉर्म ऑफ फॉर्म लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अगर कमिंग और हमारे पास ऑप्शन तो अब हमारे पास सम वन क्या है ये हमारे पास इनडिफरेंट प्रोनाउन है इस वजह से इसके बाद आएगा सम वन इज कमिंग इसी तरह अगर मैं कि नो वन डेष क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस और यहां पर मैं लिखू वाज और वर तो नो वन चूंकि हमारे पास इनडिफिनेट प्रोनाउन है इस वजह से इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो यहां पर हम लगा लेंगे नो वन वाज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस अच्छा आप लोग जो है वो इनडिफिनेट प्रोनाउन के बारे में ये भी एक पॉइंट है जिसको याद रखे क्योंकि अक्सर पर एग्जाम में ये पॉइंट आपके पास आ जाता है और आप इसमें गलती कर लेते हैं आपके पास जितने भी इनडिफरेंट प्रोनाउंस हैं आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास स्पेस नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाए डैश इज कमिंग सही है और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाए सम वन और दूसरा आपके पास आ जाए सम वन जिसमें एक में आपके पास स्पेस है और दूसरे में आपके पास स्पेस नहीं है तो याद रखें कि वो आपके पास जितने भी इन प्रोनाउंस होते हैं उनमें दरमियान में आपके पास ये जो स्पेस है ये नहीं होता बल्कि हम हमेशा इसको एक साथ लिखते हैं द ओनली एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड इज़ नो वन आपके पास ये जो नो वन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए डैश इज़ कमिंग और आपके पास ऑप्शन आ जाए नो वन और दूसरा आपके पास आ जाए नो वन तो इसमें ये जो फर्स्ट वन आपके पास होगा ये गलत होगा क्योंकि हमारे पास जितने भी इनडिफरेंट प्रोनाउंस हैं उनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एंड प्रोनाउन है एंड डेट इज़ नो वन जिसमें हमारे पास स्पेस मौजूद है